तो आइए सोने जागने का चौथा अमल, जो शख्स दो आयात रात के वक्त पढ़ ले ये इसके लिए काफी हो जाती हैं। कौन सी? सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयतें 285 और 286। ये अर्श का खजाना है। पूरा कुरान जमीन पे नाजिल हुआ, लेकिन ये दो आयात मेराज के मौके पर नबी सल्लम पर नाजिल की गई। ऐसी खूबसूरत दुआ है ना, हर एक मुख्तलिफ हालात में होता है आमतौर पे, कभी आप बीमार होंगे, कभी परेशान होंगे, ये आयतें पढ़ते तो अपनी कमजोरियां जहन में रख लें। क्या तुझे पता है हम तेरे कमजोर बंदे हैं, ऐ मेरे मालिक, तुझे पता है कि मेरे अंदर तो वुसत ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं, ताकत नहीं, अपने आप को ऐसे अल्लाह की अदालत में खड़ा कर दिया करें कि जिसके बाद वाकई फिर अल्लाह ताला आपके लिए खैर के रास्ते खोल दे। हम में से कौन है जिसमें अल्लाह की पकड़ को सहने का कोई एतबार हो, कोई भरोसा हो? इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआएं मांगते वक्त आपका दिल बहुत ठंडा होगा। और आप देखिए, ये अल बकरा की आयत 285-286 है, और इनका रात को पढ़ना ये हमें सही बुखारी 5009 से और सही मुस्लिम 807 से पता चलता है। तो इसको कभी ना छोड़िए।